हाय गाइस, मैं हूँ शर्मिला, शर्मिला ब्यूटी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को हेयर स्टाइल करना सिखाऊंगी कि कैसे करना है। वह गर्मियों का सीज़न है, तो गर्मियों के सीज़न में बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो चोटी नहीं बनाते, वो जूड़ा बनाते। तो आज मैं आप सभी को जूड़ा बनाना सिखाऊंगी कि जूड़ा कैसे बनाते। देखिए, पहले आपको ऐसे कंघी करना है जैसे मैं कंघी कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही कंघी कर लीजिए ताकि जो आपका बाल है अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, मैं कंघी कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही कंघी कर लीजिए। उसके बाद आपको ऐसे ही पौनी बनाना है। तो देखिए, जैसे मैं बना रही हूँ, आप भी ऐसे ही बना लीजिए। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, आप भी ऐसे ही बना लीजिए। सफाई से बनाना, फिर आपको इसके ऊपर बैंड लगाना है। देखिए, मैं आपको रबड़ बैंड लगा के दिखाऊंगी कि कैसे लगाना है। तो देखिए, मैं अभी आपको रबड़ बैंड लगा रही हूँ, मैं आप भी ऐसे ही रबड़ बैंड लगा लीजिए। तो देखिए, मैं जैसे लगा रही हूँ, आप भी ऐसे ही लगा लीजिए और अपने बालों को अच्छे से कंघी करते रहिए ताकि जो आपका बाल है वो सेट हो जाए। तो देखिए, जैसे मैं देखिए, अब मैं जूड़ा लगा ली हूँ, मैं अभी आपको जूड़ा बना के वो रबड़ बैंड लगा ली हूँ, मैं अभी आपको जूड़ा बना के दिखाऊंगी कि कैसे लगाना है। तो देखिए, पहले आपको ऐसे बाल आगे कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ, आप ऐसे कर लीजिए। उसके बाद आपको दो भागों में अपने बालों को डिवाइड करना है। तो देखिए, जैसे मैं डिवाइड कर रही हूँ दो भागों में बालों को अपने, वैसे आप भी डिवाइड कर लीजिए। देखिए, उसके बाद आपको अब मैं डिवाइड आपको ये आपको इसको फोल्ड करना है जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही फोल्ड कर लीजिए और कंघी कर लीजिए ताकि जो आपका बाल है अच्छे से सेट हो जाए और आपका डिजाइन जो है वो साफ साफ दिखे। तो देखिए, जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, आप भी ऐसे फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए, मैं कितने सफाई से फोल्ड कर रही हूँ और बिल्कुल मेरा जो डिजाइन है वो देखने में बहुत क्लियर लग रहा है। आप भी ऐसे ही फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए, जैसे जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही फोल्ड कर लीजिए। अब देखिए, मैं फोल्ड बस थोड़ा सा और बचा है, मैं फोल्ड कर चुकी हूँ। अब मैं आपको जूड़ा बना के दिखाऊंगी। देखिए, मैं आपको जूड़ा बना के दिखा रही हूँ कि कैसे बनाना है। आपको ऐसे ही जूड़ा बनाना है। गर्मियों के सीज़न में बहुत ऐसे लोग, सब लोग ऐसे ही जूड़ा बनाते हैं। तो देखिए, अब आपको इस पर पिनअप करना है। तो देखिए, मैं जूड़ा पिन लगाना है आपको। तो देखिए, आपके पास अगर जूड़ा पिन है तो आप जूड़ा पिन लगा लीजिए। तो देखिए, मैं जूड़ा पिन लगा रही हूँ, आप भी ऐसे ही लगा लीजिए जूड़ा पिन। आपको बहुत ही टाइट लगाना है ताकि जो आपका बाल है अच्छे से सेट हो जाए। आपको चारों तरफ से ऐसे ही आपको लगा लेना है। तो देखिए, जैसे मैं लगा रही हूँ, आप भी ऐसे ही लगा लीजिए। तो देखिए, मैं लगा ली हूँ। अब आपको जो आपका आगे का बाल है, आप आगे भी बाल ऐसे निकाल सकती है। तो देखिए, जैसे मैं निकाल रही हूँ, आप भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आगे बाल निकाल लीजिए ताकि जो आपका आपका आपके फेस पे देखने में भी बहुत अच्छा लगे। तो देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा बाल आगे निकाल लीजिए। तो देखिए गाइस, कितना प्यारा लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप भी ऐसे ही बना लीजिए। तो देखिए, मैं अभी आपको पीछे दिखा रही हूँ, पीछे की तरफ देखिए दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं और मैं अभी आपको और भी अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल करना सिखाऊंगी कि कैसे करना। तो देखिए, अब मैं जैसे मैं पहले बार बांधी थी, मैं खोलूंगी नहीं उसको, ऐसे ही रबड़ बैंड लगाए रहूँगी। तो देखिए, मैं अभी इसके ऊपर आपको और भी जूड़े बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही कर लीजिए। पहले आपको देखिए, पहले आपको ऐसे ही करना है, फिर उसके बाद आपको ऐसे ही फोल्ड करना है, फिर आपके आप क्लेचर लगा लीजिए। मैं अभी आपको क्लेचर से कैसे जूड़ा बनाते हैं, क्लेचर तो मैं अभी आपको क्लेचर के साथ कैसे जूड़ा बनाते हैं मैं अभी आपको सिखाऊंगी। तो देखिए, पहले आप ऐसे क्लेचर कर लीजिए, लगा लीजिए। उसके बाद आपको पूरा बाल जो आपका है उसको फोल्ड करना है। तो देखिए, जैसे जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही इसको फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आपको पिनअप करना है, जैसे मैं पिनअप कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही पिनअप कर लीजिए। आपको पिनअप बहुत ही टाइट करना है ताकि जो आपका जूड़ा अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, जैसे मैं पिनअप कर, आपको चारों तरफ से पिनअप करना है, जैसे अभी मैं आपको चारों तरफ से पिनअप करके दिखाऊंगी कि कैसे करना है पिनअप। तो देखिए, अब मैं पिनअप कर चुकी हूँ। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप भी ऐसे ही बना सकती हैं। तो देखिए गाइस, आप ऐसे ही बना सकती हैं। आपको बहुत ही टाइट बनाना है जूड़ा पिन कि ताकि जो आपका जो हेयर स्टाइल बनाई है जूड़े का, वो आपका देखने में भी क्लियर रहे। तो आप थोड़ा सा बाल आगे भी निकाल सकती हैं। तो देखिए, आपको अगर ऐसे ही आप शादी या किसी भी फंक्शन में आप बांध के ऐसे ही जा सकती हैं। तो
और मैं अभी आपको और भी अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बताऊंगी कि कैसे करना है। तो देखिए जैसे मैं कर रही हूँ आप भी ऐसे ही कर लीजिए। तो देखिए फिर मैं अभी आपको और हेयर स्टाइल करना सिखाऊंगी। पहले आपको ऐसे ही कंघी करना है, फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर पफ बनाना है। मैं अभी आप देखिए आपको ऐसे ही पफ बनाना है, आप ऐसे कंघी कर लीजिए, आपको ऐसे ही पफ बनाना। अगर आपके पास स्टफ़ी है तो आप स्टफ़ी लगा लीजिए, अगर नहीं है तो नहीं लगाइए। मैं अभी आपको स्टफ़ी लगा के सिखा रही हूँ कि कैसे पफ बनाना। तो देखिए मैं स्टफ़ी लगा रही हूँ, आप भी ऐसे ही स्टफ़ी लगा लीजिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो पफ बनाना नहीं जानती हैं तो वो स्टफ़ी लगा सकती हैं। तो जो स्टफ़ी लगाएंगे तो उनका पफ है बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए मैं स्टफ़ी के साथ आपको पिनअप लगा के दिखा रही हूँ कि कैसे लगाना है। तो देखिए मेरा पफ बन गया, कितना क्लियर बना हुआ है पफ। उसके बाद आपको पिनअप करना है, जैसे मैं पिनअप कर रही हूँ उसे आप भी पिनअप कर लीजिए। तो देखिए जैसे जैसे मैं पिनअप कर रही हूँ आप भी ऐसे ही पिनअप कर लीजिए। उसके बाद आपको इसके ऊपर पौनी बनाना है, जैसे मैं बनाई हूँ पहले बनाई थी वैसे आपको भी इस समय इसको भी बनाना है। मैं देखिए जैसे मैं कर रही हूँ आप भी ऐसे कर लीजिए। पहले आपको ऐसे कंघी करना है, उसके बाद फिर आपको ऐसे रबड़ बैंड लगाना है। तो देखिए जैसे मैं रबड़ बैंड लगा रही हूँ आप भी ऐसे ही रबड़ बैंड लगा लीजिए। आपको रबड़ बैंड बहुत ही टाइट लगाना है ताकि जो आपका बाल है अच्छे से सेट हो जाए। आप उसके बाद आपको जूड़ा बनाना, तो आप जूड़ा जो जूड़ा बनाने वाला वो आता है वो जूड़ा आप जूड़ा लगा लीजिए। तो देखिए जिसे मैं बना रही हूँ आप भी ऐसे ही जूड़ा बना लीजिए। आपको बहुत ही टाइट लगाना है ताकि जो आपका बाल है वो सेट हो जाए। तो आप इसके ऊपर आप देखिए आपको फिर बाल ऐसे ऊपर करना है, उसके बाद आपको इसके ऊपर भी रबड़ बैंड लगाना है। तो देखिए जिसे मैं कर रही हूँ आप भी ऐसे ही कर लीजिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो उनको जूड़ा बनाना नहीं आता है, तो आज मैं आप सभी को बहुत ही सैंपल तरीके के जूड़ा बनाना सिखा रही हूँ कि कैसे ही सैंपल तरीके से जूड़ा बना सकते हैं। तो देखिए आप इसको उसके बाद आपको थोड़ा सा बाल दो भागों में डिवाइड करना है, उसके बाद आपको फोल्ड करना है। तो देखिए जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ आप भी फोल्ड कर लीजिए। अब उसके बाद आपको ऐसे ऐसे करके घुमाना है। तो देखिए जैसे मैं घुमा रही हूँ आप भी ऐसे घुमा लीजिए। उसके बाद आपको पिनअप करना है, जूड़ा पिन आपको लगाना है। आपको फिर इस तरफ से भी ऐसे ही लगाना है, जैसे मैं पहले आपको बताई थी कि कैसे करना है। वैसे मैं आपको दूसरे साइड से भी लगा के बताऊंगी कि कैसे करना। आपको ऐसे ही दूसरे साइड से भी करना है। तो देखिए जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप भी ऐसे ही कर लीजिए। आपको पिनअप करना है, पिनअप बहुत ही टाइट करना है ताकि जो आपका आपका जूड़ा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए मैं पिनअप कर ली हूँ। अब मैं आपके ऊपर अगर सीनरी है तो आप सीनरी भी लगा सकते हैं। तो देखिए मेरे पास सीनरी था, मैं सीनरी लगा ली हूँ, आप भी ऐसे ही सीनरी लगा लीजिए। तो देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है मेरा जूड़ा। आप भी ऐसे ही जूड़ा बना लीजिए ताकि देखने में भी बहुत क्लियर लगे। आप ऐसे ही थोड़ा सा बाल आगे निकाल सकती हैं। तो देखिए अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद लगे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरी वीडियो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।